निकालो हाँ, जब सेवा करने जाते हैं तो बहाना बनाते हो, हम तो सेवाधारी है, 24 घंटे सेवा में रहते क्या? अरे कितने घंटे के सेवाधारी है? कितने घंटे की? ज्यादा से ज्यादा बता दो। अरे सबके सामने बता दो हम इतने घंटे के सेवाधारी। बाबा ने तो बोला 8 घंटे सेवा करो, 8 घंटे अपने तन की परवरिश करो। आप कितने घंटे के सेवाधारी हैं? घंटे 2 घंटे बाकी। बहाना बनाना बहुत अच्छा है। फरवरी 1970 की प्रातः क्लास में मुरली चली, उसमें आया है कि बाप वर्ण और माई की अथॉरिटी है ना, उनके द्वारा बल मिलता है, उनके द्वारा बल मिलता है। ये किसने बोला? ब्रह्मा के कंधे किसने बोला? सुप्रीम सोल ने बोला। सुप्रीम सोल ने बोला होगा तो मेरे द्वारा बल मिलता है, ऐसा क्यों नहीं बोला? उनके द्वारा बल मिलता द्वारा मीडिया कहा जाता है, वो साकार होता है या निराकार होता है? उनके द्वारा बल मिलता है। तो ये कहने वाला तो निराकार है और उनके मन कोई दूर है, ब्रह्मा के तन के नजदीक नहीं बैठा है, इसलिए बोला उनके। और जो मीडिया है वो अथॉरिटी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जब प्रत्यक्ष होगा तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बन करके प्रत्यक्ष होगा। ये वो कोई वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बन करके नहीं आता, वो तो आकर क्या कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा
बाद में चलते हैं, लेकिन बहुत यहाँ से खाना पड़ता है। पड़ता है जी, न खाएं तो फिर रहने नहीं देते घर में, मम्मी पापा भी खत्म हो गए। तो तुम्हारा बाप तो आया ही नहीं दुनिया में। तो फिर काहे के लिए मजबूरी किस बात की है, खाना पड़ता है ऐसे क्यों कहते हैं? जब तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान आया हुआ है, निश्चय है, झूठा ही बोल दिया था। निश्चय है, लेकिन हमें खाना खराब खाना पड़ता है। एक बार हमने नहीं खाया था तो हमारे लड़के ने रोटी छीन के फेंक दिया। अब लड़का तुम्हारा है या तेरे बाबा का? बाबा का है। अच्छा, फिर हमारा क्यों कहती है? तो अगर बना कर रखते थे तभी कहीं बच्चों की निकाल दे। अपनी बातें न करो, यहाँ सभा में बैठी हो, सबका टाइम वेस्ट मत करो, ज्ञान की बातें पूछो। महाबाहु, जिसकी भुजाओं में बहुत बल होता है उसको कहते हैं महाबाहु। बाहु माने भुजाएं। तो अर्जुन की भुजाओं में तो बल था ना, और जो भगवान होता है उसके लिए कहते हैं कि भगवान की भुजाएं बहुत लंबी होती हैं, और अर्जुन के रथ में तो भगवान प्रत्यक्ष होता है, तो लंबी भुजाओं वाला ही होगा ना या छोटी भुजाओं वाला होगा? भुजा माने क्या है? भुजा माने मददगार। जैसे कहते हैं मेरा भैया ने शरीर छोड़ दिया, मेरी दाई भुजा कट गई, तो क्या कोई भुजा कट गई? सहयोगी मददगार था, उसने शरीर छोड़ दिया। तो भुजा को मददगार की निशानी दी गई है। शंकर के गणों ने श्राप दिया, बताते हैं। अरे टीवी देखा करो तो ध्यान से देखा करो, है फिर ध्यान से पूछा करो। नारद कोई दूसरा नहीं है, हम तुम सब क्या है? नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाले। क्या दूसरों को ज्ञान जल देने में लगे रहते हैं, अपनी ओर झांक के नहीं देखते कि हमने उस ज्ञान को पूरा धारण किया है या नहीं किया है? नहीं तो बाबा को ये कहने की क्या दरकार कि तुम बच्चे तो हो तमो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती, बंदर बुद्धि है या मंदिर लायक है? बंदर बुद्धि क्या सेवा करेगा? इसलिए बच्चों में बाप दादा प्रवेश करके सेवा करते हैं। तो सब नारद ही है, उन नारदों को शीशा अर्थात आईना सामने रखा जाता है कि ज्ञान दर्पण है, जो आगे आने वाले समय में आईना सामने रखा जाएगा, जिसके लिए पहले ही इशारा दे दिया है, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तब वो आईना काम में आवेगा, अरे हमने ये क्या किया, हमारी शक्ल तो बंदर की है,
चले महारानी को वरने के लिए, ये कैसे संभव होगा? अलग अलग कथा कहानियाँ एक तरीके से नहीं, अनेक तरीकों से बोल दी है। कहते हैं जरासंध की जेल में राजाओं को बंद कर दिया था, कहीं 16,000 को बंद किया हुआ दिखाया गया है। अभी प्रैक्टिकल में नहीं दिखाई पड़ता है, कहाँ बंधन में बंधे पड़े हैं? कोई स्वतंत्र है? आज ही तो मुरली में बोला तो मैं सब बांधेले बांधेलियां हूं। अगर बांधेले बांधेलियां नहीं है तो 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में उछल मारते रहे, कहीं न कहीं बंधन में लगा पड़ा है ना, इसलिए उछाल नहीं खाते हैं। कहते हैं गले पड़ गया, गले पड़ गया माने पल्ले पड़ गया। अब जो गले पड़ गया है, गले पड़ते हैं ना, तो प्यार है तब तो गले पड़ गया, और जिसको प्यार है उसको झटकार के अलग कैसे किया जाए? और भगवान के तो सारी दुनिया गले ही पड़ जाती है, तो भगवान से तो सभी को प्यार है। सब जानते हैं कि दुनिया तो झूठी है, आखिरी भगवान से ही हमारा निस्तार होना है। तो हम तुम सब क्या है? भगवान के गले के सांप हैं। संपूर्ण मम्मा बाबा बनना जी एक बता तो दिया कि फरिश्ता यही से संगम युग का है मापदंड है। देवताओं से भी ऊंचे कौन होते हैं? देवता ऊंचे या ब्राह्मण ऊंचे? और ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। ब्राह्मण नहीं बना होगा, पवित्र नहीं बना होगा, ब्रह्मा की औलाद नहीं बना होगा तो वो फरिश्ता नहीं बन सकता। और फरिश्ताओं को सारी दुनिया मानती है, देवताओं को तो सिर्फ हिंदू लोग मानते हैं। आज सनातन देवी देवता धर्म के लोग मानते हैं, लेकिन फरिश्ताओं को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब मानते हैं। तो ये फरिश्ते कौन सी दुनिया में थे? सत्युग में थे या संगमयुग में थे? संगमयुग में थे। संगमयुग में हर धर्म की आत्माएं भी मौजूद रहती। तो कोई शरीर नहीं होता है, देह हड्डी मांस। हड्डी मांस में बुद्धि होती है कि मनन चिंतन मंथन में बुद्धि रहती है? हैं? मनन चिंतन मंथन में प्रकाश में बुद्धि रहती है, तो प्रकाश का उनका शरीर होता है।
तो कैसे है ज्ञान प्रकाश? लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को ज्ञान प्रकाश के अंदर दिखाया गया है नीचे, या ऊपर लक्ष्मी नारायण को ज्ञान प्रकाश की दुनिया में दिखाया है? वो लक्ष्मी नारायण फरिश्ता है वास्तव में या देवता है? फरिश्ता है। नर से नारायण कहे जाते हैं। शरीर तो इस दुनिया में सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल बनती जावेगी। और देवताओं का शरीर सड़ा हुआ होता है क्या? है नहीं? तो मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष के तीन बड़े हिस्से हैं। एक है आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जिसे कहते हैं तना। नीचे से ऊपर एक ही तना गया है और उस तने से दो प्रकार की डालियां निकली है, एक बाम मार्गी और दूसरी दाई मार्ग वाली। तो बाई मार्ग वाली जो डाली है उनमें कई कई पति और कई कई पत्नियां बनाई जाती हैं कि एक दो एक बनाई जाती है कई कई। तो उनकी अम्मा कौन हुई? कई कई। और जो दाई ओर की डालियां हैं वो उन कई कई की मित्र हैं, पवित्रता को पालन करने में, या आज सनातन देवी देवता धर्म की सुंदर मित्र हैं, है? आज सनातन देवी देवता धर्म वालों की सुंदर मित्र हैं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, सभी धर्म वाले पवित्रता को, अभिविचार को विशेष मान्यता देने वाले, कि अभिविचार को मान्यता देने वाले, अभिविचार ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देने वाले। इसलिए भारत के सुंदर मित्र ये दाई ओर की डाली है। तो उनकी अम्मा का नाम है सुमित्रा, और तो दुनिया में रहते हुए, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए ऐसे कर्म करना जो कीचड़ का एक भी अंश मात्र लगाव न लगे, ऐसा कमल फूल समान कुशलता पूर्वक जीवन बिताने वाली का नाम है कौशल्या। उसका नाम ही है योग है कर्मचु कौशलम। योग उसी का नाम है जो कर्मों में कुशलता जाहिर करता हो। उस श्रेष्ठ रानी का नाम है कौशल्या। तीन रानियों से तीन प्रकार की संतानें पैदा होती है। ज्यादा बच्चे कौन सी रानी को पैदा होते हैं? व्यभिचारिणी को, कई कई वाली को, या एक वाली को? है जो कई कई वाली होती है उसको अनेक बच्चे पैदा हो जाते हैं। दुनिया में ज्यादा तादाद, ज्यादा आबादी कौन से धर्मों की है? वाम मार्गी धर्मों की है या दाई ओर वालों की है? वाम मार्गियों की है। ऐसे
तो बापा जी ने बताया कि भक्ति मार्ग में किसी चेन के 16,100 आक्रांतियाँ थी, फिर उनके गर्भ से बस लड़का एक ही लड़की पैदा हुई, यानी कि 1,77,188। इसका बेहद ने क्या किया? सारी दुनिया की आबादी पहले जन्म में कितनी होती है? हैं? 9 लाख। 9 लाख अंत में होती है, पहले जन्म के अंत में होती है या शुरुआत में? हैं? पहले जन्म के अंत में 9 लाख आबादी, तो पहले जन्म के शुरुआत में कितने लाख रहे होंगे? दुनिया में धर्म कितने कितने हैं मुख्य मुख्य, जो भगवान से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं? 9 धर्म। तो 9 धर्मों में 1-1 लाख बांट दो। श्रेष्ठ धर्म कौन सा है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है? सूर्यवंश। तो सतयुग के पहले जन्म में कितनी आबादी रही होगी? 1 लाख। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कम से कम कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख। वो 1 लाख सूर्यवंशी आत्माएं हैं। के बच्चे हैं, उन्होंने तो नाम दे दिया भगवान कृष्ण के। नाम कितना दे दिया? अब कृष्ण भगवान है या निराकार शिव भगवान है? निराकार शिव भगवान के बच्चे हैं, जो निराकार ही स्टेज धारण करते हैं। समझ में आया? और आप अच्छा मानते हैं क्या? बाएं मार्ग से चलते हैं तो दुनिया कौन सी है? बाएं मार्ग में जाने वालों की दुनिया है या दाएं मार्ग में जाने वालों की दुनिया है? अरे दुनिया उल्टी खोपड़ी वालों की है या सीधी खोपड़ी वालों की है? उल्टी खोपड़ी वाले उल्टे ही रास्ते पे चलेंगे ना। नियम कानून भी ऐसे ही बनाएंगे, बाई ओर चलो। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट विदेशियों की तरफ ढुली हुई है या भारतीय धर्म की ओर अनुसरण कर रही है? तो बाम मार्गी गवर्नमेंट हो गई ना। जब गवर्नमेंट ही राजा ही बाम मार्गी हो गया तो यथा राजा तथा प्रजा सब बाम मार्गी हो गए, सब बाई ओर चल रहे हैं। अब कल से आप क्या करेंगे? टक्कर हो जाएगी। ज्ञान का बीजा रोपण किया है तो उनको मूर्तियों के बारे में आया था कि जो करना रथ है उसने बीजा रोपण किया बड़ी मम्मी के बुद्धि ने ज्ञान का, उनको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल। ज्ञान का बीजा रोपण, ज्ञान का, ज्ञान का बीजा रोपण भी दो प्रकार से होता है। एक होता है वाचा से, क्या? एक कर्म होता है वाचा का और दूसरा कर्म होता है प्रैक्टिकल धारणा का। प्रैक्टिकल जीवन में धारणा ज्ञान की, वो सच्चा ज्ञान का बीजारोपण है, या सिर्फ बोल बोल करना, मुख से सुनना, कानों से सुनना और दूसरों को मुख से सुनाना, लंबी जीव वाली महाकाली बन जाना, सारी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसको वाचा में हरा सके, ऐसा बनना अच्छा है। तो दो माताएं थी, आप वही उसी का जवाब दे रहे। तो ज्ञान का असली बीजारोपण किसमें हुआ? वैष्णवी शक्ति में हुआ या वाचा वाली में हुआ?
वैश्विक शक्ति में असली ज्ञान का बीज रोपण हुआ था, और जिसमें असली बीज रोपण हुआ होगा उसी से कृष्ण का जन्म होगा है? कि जगदम्बा क्यों होगा? ब्रह्मा की मूर्ति कौन थी? दाढ़ी मूछ वाला प्रजापिता। ऐसा कैसे तो बताया जो है सुनी में तो यही मानते थे ब्रह्मा को भी ब्रह्मा मानते और शंकर का पाठ मानते मुकदर का और वैष्णवी इस तरह से मानते थे, लेकिन अभी भारतीय कैसे थोड़ा मूर्तियों का चेंज हुआ इसके संबंध में क्या चेंज हुआ? इसमें ब्रह्मा प्रजापिता मुकदर जो है दीपक राम उसको प्रजापिता ब्रह्मा बताया और शंकर बताया जगदम्बा जगदम्बा बताया नहीं, ये कहा त्रिमूर्ति में शंकर की जगह बड़ी मम्मा को रखा होता, मम्मा को अगर रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता। त्रिमूर्ति में रखा नहीं है, बताया कि अगर जगदम्बा को रखा होता शंकर की जगह, महाकाली को रखा होता तो विनाश करने का काम असुर संहारिणी महाकाली का है या देवता का है? महाकाली का है, तो समझाने में सहज होगा या कठिन होगा? क्योंकि जिसका प्रैक्टिकल काम है वो ही बैठा हुआ है। प्रेरणा देने वाला कौन है? है? हाँ। ब्रह्मा ने क्या अरे नाम बोलते हैं तो काम सिद्ध हो जाता है ना? नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो ब्रह्म माने क्या? बड़ा, बड़े से बड़ा कौन? अरे अरे नाम किस आधार पर पड़ता है? तो ब्रह्मा ने क्या किया होगा? बड़ा काम किया होगा। किसने बड़े से बड़ा काम किया है? जो लोग कहते हैं इतना महत्व देते हैं, मंत्र बनाई लिया है आम ब्रह्मास्मि, तो जरूर बड़े काम का बीजारोपण ब्रह्मा से होता है। ब्रह्म लोक कैसा लोक? जिस लोक की अगर स्थिति बनाई ली जाए तो दुनिया के सारे काम ऑटोमेटिक होते रहेंगे, कोई काम हमें अपने आप नहीं करना पड़ेगा। माना जिनकी बीज रूप स्टेज बन जाएगी उनको कोई काम करने के लिए प्रयास करने की अनुभूति नहीं होगी, सारा काम जैसे बाप दादा स्वतः ही करेंगे। तो कहाँ की स्टेज हुई? ब्रह्मलोक की स्टेज हुई या सूक्ष्म बटन की स्टेज हुई या साकारी दुनिया की स्टेज हुई? ब्रह्मलोक की स्टेज हो गई, निराकारी स्टेज, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। बताते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा देखा कि माता पिता अपने बच्चों को ले जाते हैं
कोई सोता रहता है, कोई भोजन करता, कोई रोता भी है, रिश्ता भी करता है, तो उसका अच्छा रिश्ता क्या बनता है? फाउंडेशन पड़ रहा है माता पिता के ऊपर भी बनता है, जो लाने वाले हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। लाने वाले को ठोंक बजा के लाना चाहिए ना। जैसे माता पिता के साथ बच्चे भी आ जाते हैं, उनको पता ही चलता है। बच्चों के लिए आने के लिए परमिशन है, तो बताते 10-12 साल 15 साल परमिशन है। 9 साल के बच्चों को काम नहीं। हाँ, जो समझदार बच्चे हैं उनको लाना चाहिए, या जो कुछ समझते ही नहीं शैतानी देते रहते हैं उनको लाना चाहिए। ये लाने वाले के ऊपर सारा पाप जाता है। पता ही नहीं हो, पता कैसे नहीं, लाने वाले को मालूम नहीं है नहीं, ये बच्चा शैतान है, इसने ज्ञान को समझा है या नहीं समझा है? नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम, जब नियम बना हुआ है। माता पिता लेके आ गए, जो जो स्कूल के संस्था के नियमों के बरखिलाफ चलेगा उसको दंड मिलना चाहिए नहीं है? इसका मतलब आप ले जाते हैं। हाँ जी, मन बुद्धि से परे की चीज है, बुद्धि से भी परे की चीज है। क्यों, आत्मा बुद्धि को नहीं कहा जाता है? परे की चीज कैसे हो गई? हाँ, ब्रह्मलोक में मन बुद्धि रूपी आत्मा ही नहीं रहती है। अरे मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि आत्मा ब्रह्मलोक में रहती है या नहीं रहती है? तो परे कैसे कह दिया? उम्र से मतलब नहीं होता है, आगे चल के ऐसे बच्चे भी पैदा होंगे जो होंगे कम उम्र के, लेकिन बड़े बड़ों को मात देंगे ज्ञान में। ज्यादा उम्र की बूढ़ी माताएं देखना है, ले जाने वाले को निश्चय बुद्धि है। तो उनको तो निश्चय बुद्धि है, उनको ले जाना है। है बुरी माता है, मतलब चल चल फिरने की भली चलाई। 80 साल की बुढ़िया अमरनाथ की यात्रा पैदल करने जाती है। ये कोई बात नहीं होती है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप होता है। जहाँ जन्म वहाँ जीत की बात अभी जहाँ जीत वहाँ जन्म, तो उल्टा बोल दिया। जहाँ जन्म अरे पक्की पक्की बात बोलो। हाँ, कर्मों के ऊपर, जिनके कर्मों के ऊपर जीत पाई जाती है, राम सीता के कर्मों के ऊपर ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं ने जीत पाली, उसका अंजाम पहले जन्म में क्या होगा? है क्या अंजाम होगा? जो ब्रह्मा सरस्वती राधा सत्य की आत्माएं हैं, वो बच्चे के रूप में जन्म लेती है और माँ बाप को उनकी दुनिया बना के देनी पड़ती है। माँ बाप जैसे दास दासी हो जाते हैं बच्चों के, सारा जीवन बच्चों के लिए खटते हैं। बच्चों को जन्म देना, बच्चों की पालना करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों के लिए सारी जिंदगी की मैं मिल्कियत इकट्ठी करके उनको सौंप जाना। इससे बड़े दास दासी अच्छे कोई मिलेंगे? नंबर वार बाबा,
से बोलो। अरे बाबा की वाणी रोज सुनते ही नहीं, बोझ हुई बातें बार बार भी सीडी में आती है, फिर भूल जाते हैं। बड़ी सभा में बार बार वही बातें पूछना ठीक नहीं है, कोई बड़ी बहन से पूछ लिया करो। बाबा जो जैसे चर्च की आत्मा होती है तो बताते कि अगले जन्म चर्च की आत्मा जो निकलती है तो बताते कि अगले जन्म चर्च की तो बताते अगले जन्म में नागिन थी लेकिन इस जन्म में वो औरत बन गई। कौन बताते हैं? बताते देखने में आता है। कौन बताते हैं? किनको देखने में आता है? किसने देखा? अरे कौन बताते हैं? जो मनुष्य है। अरे वो मनुष्य है कि राक्षस है? बताने वाले झूठे। तुमने देखा कि वो झूठे बोलने वाले राक्षस है या सच्चा बताने वाले देवता है? जो आया बस उसकी बात मान लेना। मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है, सर्प बिच्छू चिन्हन का जन्म नहीं लेता। जो बीज जिस श्रेणी का होगा वैसा ही पौधा निकलेगा। लेकिन बाबा वहाँ के लोगों ने जहाँ पे वो ये हुआ प्रैक्टिकल में वहाँ के लोगों ने तो बताया है। कहाँ हुआ प्रैक्टिकल में? तुमने कैसे जान लिया वहाँ प्रैक्टिकल में हुआ? सेवा करने गए थे। कहाँ गए थे तुम सेवा करने? गाँव में बाबा। तो गाँव में तुमने कैसे मान लिया कि वहाँ स्त्री जो है वो सर्पिणी बन गयी? बताते हैं कि जब वो सर्पिणी बन जाए। अब बताते हैं जो बताते हैं वो सच्ची बात बताते हैं झूठी बात बताते हैं? हाथ से बताते नागिन बन जाती है। तो बताते हैं ये कोई बात हुई? कोई बताते हैं धरती फट जाती है उसमें से स्वर्ग निकल आता है तो मान लिया जाए? अंधश्रद्धा की हद हो गई भक्ति मार्ग में। जिसने जो कहा सत्य वचन महाराज। बाप आकर के ये अंधश्रद्धा तोड़वाते हैं और बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान बुद्धिमानी का काम करेंगे या बुद्धू जैसी बातें करेंगे? हैं? बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए बाप के बच्चे तैयार नहीं होते। हमारा बाप है बुद्धिमानों की बुद्धि, तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। कोई ने कह दिया अच्छा भैया तुम्हारी बात सही, हमने मान लिया, तुमने कहा और हमने माना। हाँ जैसे बताते हैं कि गंगा का पानी देखा? फिर बताते हैं देखा भी है तो प्रैक्टिकल में गंगा। किसने देखा? तुमने देखा? हाँ बाबा, गंगा का पानी रख लेते हैं तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, स्कूल पानी। आज गंगा के पानी में ही कीड़े पड़े हुए हैं। कानपुर में ढेर सारे कारखानों का कचरा उनमें गिरता है और कीड़े ही कीड़े हो जाते हैं गंगा के पानी में। माताओं की तो अंधश्रद्धा की महिमा ही न्यारी है। अरे न थोड़े समय के लिए कीड़े नहीं पड़ेंगे या सारी गंगा में कीड़े नहीं पड़ेंगे? वो तो कहते हैं गंगा के पानी कहीं का भी हो, कहीं से भी गंगा का पानी उठाया जाए उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अरे गंगा का कनेक्शन सागर से डायरेक्ट है तो गंगा नदी देवी है, और सागर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो नाला बन जाती है। नाले में कीड़े पड़ते हैं या नहीं पड़ते? और गीत भी बनाया हुआ राम तेरी गंगा मैली, ऐसे ही झूठा गीत हो गया। कलयुग अंत में गंगा हो जाती है मैली और सतयुग आज में गंगा हो जाती है शुद्ध साफ।
आपको ब्रह्मा करना है तो कौन ब्रह्मा जो कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी मानना है, ये मेरी मानने वाला कौन है और उसका मीडिया कौन सा है? प्रजापिता ब्रह्मा है, मीडिया जिसके द्वारा बोला है कि ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है परंतु बात मेरी मानना है, माना मेरे को कर्मों में फॉलो नहीं करना है, मैं जिस मीडिया के द्वारा कर्म करता हूँ उसका एक मुख्य कर्म विष पीना भी लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, गाया हुआ है, सारे संसार का विष पीने वाला है। ब्रह्मा का अर्थ क्या है? बड़ी अम्मा का मुख्य गुण क्या होता है? किसमें थी? कोई और आत्मा जगदम्बा है, सहनशीलता वाली ओमराजे मम्मा है, लक्ष्मी है, तो फिर इतनी परेशानी क्यों होती है? हैं? इसके क्या तुम मत बोलो। उसके अंदर सहनशीलता का जो कर्म किया है वो कृष्ण वाली आत्मा ने किया है या शिव ने किया है? किसने किया? अरे सहनशीलता का पार्ट बजाने का काम, पारे सारे परिवार को बांध लेने का काम कृष्ण की आत्मा ने 63 जन्म क्यों नहीं कर लिया? इस अंतिम जन्म में ही आकर के क्यों किया? क्या कारण? शिव ने किया ना? हाँ, तो करण करावन आ रहा है कौन? शिव है। शिव ने ही ब्रह्मा का सहनशीलता का पाठ बजाया, शिव ही बाप का पाठ बजाता है। कितने मुझावट है इस बात में, किसको कर्मों में फॉलो करें? किसके डायरेक्शन को फॉलो करें? इतना लंबा समय हो गया एडवांस ज्ञान चलते चलते यही बात बुद्धि में नहीं बैठती। क्यों दिखाया गया? अरे सवारी है ना, शेर की सवारी कर ली दुर्गा ने। शेर में दुर्गुण कौन सा होता है? शेर में कोई खराब गुण होता है? नहीं होता। कभी शेर के सामने जाना तो पता चलेगा। है? जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? डर क्यों लगता है? क्यों नहीं जाएगा? है? अरे क्यों शेर के सामने क्यों नहीं जाएगा? जाएंगे फिर क्या करेगा? वो शेर को खा जाएगा। तो ऐसे ही बिना कोई गलती के खा जाएगा, ये उसका दुर्गुण है या अच्छा गुण है? है? दुर्गुण है। तो दुर्गा है दुर्गुणों को दूर करने वाली, पहले उस शेर के ही दुर्गुणों को दूर करती है। क्या? इसलिए शेर की सवारी दिखाते हैं। बाबा जी ये तुलसीदास लिखे हैं कि जड़ चेतन का जो ग्रंथ है, जो झूठ भी लिखे हैं ताकि चेतन कठिन है, लेकिन जड़ चेतन ग्रंथ है। जड़ चेतन क्या? क्या है जड़ चेतन की गांठ? लिखे हैं कि जड़ चेतन ग्रंथ पर है, जड़ चेतन ग्रंथ पर गए यति मिथा कृष्ण साधने, जड़
रुचि भी है या छूटे में कठिन भी है। चेतन है शिव, चेतन है आत्मा और जड़ है पांच तत्व। जड़ है प्रकृति। अब दोनों अच्छी तरह से अगर मिलेंगे नहीं तो शक्ति का कार्य होगा क्या? तब ही शक्ति का कार्य होता है जब जड़ चेतन की ग्रंथि पड़े। अभी ग्रंथि पड़ गई, ऐसी ग्रंथि पड़ गई कि दुनिया में एक गांठ को कोई खोल ही नहीं सकता। वो भगवान स्वयं ही आता है तो ये गांठ को सुलझाता है। जड़ अलग और चेतन अलग परमधाम में पहुंच जाता है तो गांठ खुल जाती है या रह जाती है? खुल जाती है। आदि मानव के बारे में लिखा है कि पहले कक्षा में लिखा है, अरे किसने लिखा? भगवान ने लिखा क्या कि विकारी बुद्धि मनुष्यों ने लिखा? तो काय के लिए लफड़े में पड़ रहे हैं? और बाबा मुझे बोले जो कन्या में है, कन्याएं बंधन में है, जो बाप के पास आए हैं, बाप के पास आए, माँ बाप के पास बंधन में है, कन्याएं बंधन में है। कन्याओं के लिए तो मुरली में बोला है कि कन्याएं तो निर्बंधन होती है। बाबा बोले हैं, क्या बोले? बाबा कभी नहीं बोले कि कन्याएं बंधन में है। जो बाप के पास है जबरदस्ती ना आए। जो कन्याएं 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, समझदार हो गई, वो कन्याएं निर्बंधन है कि बंधन में है? निर्बंधन है। गवर्नमेंट का नियम कानून बना हुआ है कि कन्याओं को कोई बांध करके नहीं रख सकता। बंधन, अरे बंधन में है ही नहीं वो। उनको जब कहीं किसी छोकर से प्यार हो जाता है तो बंधन में रहती है, भाग जाती है, हैं? बाप कुछ कर पाता है क्या? कुछ नहीं कर पाता। चाहे जहाँ कोर्ट में जाकर के एग्रीमेंट लिख करके चाहे जहाँ चली जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहो कि बाप की पहचान नहीं है इसलिए बंधन में है। जब बाप की पहचान बुद्धि में बैठ जाती है कि अंत समय में यही एक सहारा रहेगा और बाकी सब सहारे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, तो बंधन में नहीं रह सकती कन्या। और ऐसी शिव शक्तियां अभी निकलने वाली है क्या? एक हिस्ट्री में ऐसा भी टाइम हुआ था जब राजाओं ने रानियों को छोड़ दिया था, परवाह नहीं की रानियों की, कन्याओं माताओं की, जंगल में चले गए। अभी एकदम जस्ट उल्टा पॉइंट होने वाला है। अभी कन्याएं माताएं निकलेंगी जो उन कंट्रोल में रखने वाले राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। ऐसी भी शिव शक्तियां निकलेंगी, वो बंधन बंधन नहीं चिल्लाएंगी। बंधन में भेड़ बकरी रहती है या शेरनी रहती है? भेड़ बकरियां बंधन में रहती है। बाबा
बात है बार बार। हाँ बोलो। कितना टाइम हो गया एडवांस में आए? चार महीने हो गए। तो चार महीने में कम से कम नहीं तो 120 मुरलियां तो सुन ले कि नहीं सुन ले? हैं? सुन ले। उस मुरली में कहीं भी इसका क्लेरिफिकेशन नहीं आया कि सीता का नाम पहले, लक्ष्मी का नाम पहले क्यों होता है और शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में क्यों होता है, ये भी क्लेरिफिकेशन दिया है। सीताराम, राधा कृष्ण, इनमें माताओं को आगे किया गया है और शंकर पार्वती में पुरुष को आगे कर दिया, माता को पीछे कर दिया। कारण क्या है? है? हाँ, शंकर पार्वती है भगवान का रूप और सीताराम राधा कृष्ण है देवी देवताओं का रूप। देवी देवताएं स्वर्ग में होते हैं जहाँ की ये मान्यता है, यस्त नारियंत नारियस्त पूज्यंते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, पूजनीय समझते हैं, भोग की वस्तु नहीं समझते, वहाँ नारियों का मान होता है, नारियों को आगे रखते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। और भक्ति मार्ग में राम को और कृष्ण को भगवान मान लिया है या देवता मान लिया है? यही गलती है, इसलिए उन्होंने राम नाम कह दिया। वास्तव में राम है जिसमें सारी दुनिया रमण करती है, जिसकी याद में। कौन है वो प्रैक्टिकल में साकार रूप जिसकी याद में सारी दुनिया रमण करेगी, कम या ज्यादा लेकिन रमण करेगी? शिव बाबा, दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन, शिव माने निराकार ज्योति बिंदु और बाबा माने साकार राम वाली आत्मा। तो भक्ति मार्ग में कह दिया है राम नाम की लूटी है, लूटी जाए तो लूट, ये अंतकाल की बात है। अंतकाल कब होता है? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब होता है? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। है जनक की, जनक माने क्या होता है? भक्ति मार्ग में ही पढ़ गए पूरे है? और जनक माने क्या होता है? है? जानता है नहीं? जन्म देने वाले का नाम है जनक। जन्म, जन माने जन्म, का माने करने वाला, जन्म करने वाला। तो जन्म करने वाला कौन होता है? हैं? अरे जन्म करने वाले का नाम क्या होता है? सीता। तुम सब सीताएं हो, उन सीताओं को अपनी स्मृति रूपी जन्म देने वाला कौन है? हैं? जन्म। सवा सौ साल
कौन सी मुरली तुमने उठा ली? कौन से ब्रह्मज्ञान में जाते रहे हैं? अगला संगठन हो तो मुरली उठा के लाना। बड़ी सभा में झूठी बात मत बोला करो। सुना? नहीं बोलोगे ना? हाँ जी। मुरली में तो बोला है बहुत में बहुत करके संगम युग को 100 साल दो, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि तो जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म को फाउंडेशन लगाने के काम में हर धर्म पिता ने 100 वर्ष से ज्यादा का टाइम नहीं दिया है। भगवान भी आकर के कितना टाइम देते? 100 वर्ष का टाइम, इससे ज्यादा नहीं। इलाहाबाद जिले में का स्थान है, वहाँ पर वरुण मुनि और इंद्र जिन्होंने अशुभ यज्ञ रचा। कौन कौन? वरुण मुनि यम और इंद्र। इंद्र, वरुण और यमराज। इंद्र माने स्वर्ग का राजा। कौन हुआ है? विष्णु। वरुण जल का देवता, ज्ञान जल का देवता। और तीसरा यमराज। ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज का पाठ बजाने वाला कौन? ब्रह्मा की सुन। धर्म की धारणाएं सिखाने वाला कौन? जो वाणी चल रही है अभी गुलजार दादी के द्वारा, वो धारणा की वाणी है या ज्ञान की वाणी है? धारणाएं कौन सिखाता है, भगवान या देवता? जो देवता होगा वो देवता की वाणी चलाएगा, जो भगवान होगा वो ज्ञान की वाणी चलाएगा। डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा, तो देवता कौन बनाएगा? जो खुद देवता हो वो देवता बनाएगा। तो वो है यमराज, धर्मराज। आप बताओ तीनों के बारे में क्या है? वर्मा नदी की उत्पत्ति वहाँ से हुई। हाँ, तो 125 किलोमीटर दूरी तय करके फिर जाकर जहाँ मिलती गंगा से वो वाराणसी। ठीक है। और वहाँ पर जो पुल बना था बिजली बड़ी है, तो वहाँ वो पुल गिरा देता है। वहाँ पुल जो है एक भैंसा आकर के गिरा देता था। और धर्मराज का भैंसा भी तो होता है। साक्षात्कार हुआ है कि यहाँ पर 25 फीट दूरी पर बनाई है मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार के अवसर से उन्होंने फिर से करवाया और 25 फीट की दूरी से फिर बना है। देखा तो फिर क्या हुआ? अब प्रश्न क्या है? प्रश्न वहाँ जो गंगा नदी निकलती है, वरुणा नदी जहाँ निकलती है और गंगा से जाकर मिलती है, तो जहाँ गंगा के किनारे मिलती है जाकर के, वहाँ से वाराणसी शुरू होती है। वरुणा असी, वरुण माने वरुण नदी, वरुणा की पुत्री वरुणा, और असी माने तलवार। माने गंगा नदी जब कानपुर इलाहाबाद होती हुई आगे बढ़ती है, तो जहाँ वरुणा नदी उससे मिलती है वहां से गंगा तलवार का आकार धारण कर लेती है। अति अति माने तलवार। उसका नाम स्थान का पड़ गया वरुणारती। गंगा नदी पहले वहां से इलाहाबाद में, पहले वरुणा नदी थी, के बाद में आई। हाँ जी, इलाहाबाद माने अल्लाह का बाद, अल्लाह की नगरी,
भगवान कहाँ रहता है? है अल्लाह की नगरी में रहता है, ऐसी अल्लाह की नगरी जहाँ तीनों नदियाँ इकट्ठी होती हैं। कौन कौन सी तीनों नदियाँ? गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों नदियाँ भी वहाँ इकट्ठी होती हैं तो संगम होता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में तीनों नदियाँ अलग अलग हुई पड़ी हैं या इकट्ठी हो गई हैं? अलग अलग हुई पड़ी। तो कौन सी नदी निकलनी है अभी जो तीनों के इकट्ठा करे? जो गंगा नदी तलवार का रूप धारण कर ले है, वरुणा नदी से जब मिले कौन? गंगा नदी। तो गंगा नदी तीखा रूप धारण कर लेगी और उस स्थान का नाम पड़ता है काशी नगरी। कितने महीने हो गए एडवांस में आए हैं? हैं? अरे कितने महीने हो गए? 3 साल में तुमने नई मुरलियां पढ़ी ही नहीं, सुनी ही नहीं। बाबा जी से स्वर्ग निकले और नदी को इनऊ का काल कहते हैं। इनऊ का काल कहे का? क्या है? अरे संस्कृत में नाम क्या है? वो तो विकृत नाम पता नहीं क्या बन गया है। सीधी सी बात, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ इलाहाबाद में जाकर मिलती है और इलाहाबाद से ही वरुणा नदी की उत्पत्ति होती है। इलाहाबाद माने एडवांस का इलाहाबाद कौन सा है? अल्लाह का बनाया हुआ आबाद किया हुआ नगर है। हाँ, तो वहां से ये चारों ही नदियों की उत्पत्ति होती है। इलाहाबाद जो अजयवट है अक्षय वट कोई दूसरा नहीं होता है, ये सच्ची रूपी वृक्ष ही अक्षय है जिसका कभी क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होता है। रात दिन होने के कारण द्वापर कलयुग में चंद्रमा सतयुग में ठीक है, चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी के, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। वो तो सारे ही उपग्रह जो जो ग्रह है नौ ग्रह, वो किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कोई एक पृथ्वी की बात नहीं है। सारी सृष्टि लीन हो जाएगी, उसको कहते हैं प्रलय। प्रकट रूपेण लीनम भवति, प्रकट रूप से सारी दुनिया लीन हो जाएगी। सारी दुनिया लीन नहीं होती है, ये चैतन्य पृथ्वी की, चैतन्य सूर्य की, चैतन्य वृक्षपति की, चैतन्य शनिदेव की बात है। ये अपने अपने स्वभाव संस्कार को एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। तो पृथ्वी के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, उन संस्कारों में चंद्रमा अपने को मर्ज कर देगा। पृथ्वी के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। पृथ्वी की परछाया जब चंद्रमा पर पड़ती है
तो कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी माने कन्याएं माताएं, कन्याओं माताओं के प्रभाव से प्रभावित। कृष्ण वाली चोल कब से हुई? अरे यज्ञ में कोई ऐसा टाइम हुआ जो ब्रह्मा वाली आत्मा प्रजापिता के प्रभाव से परे हो गई और कन्या माताओं रूपी पृथ्वी के प्रभाव में आ गई? है, जब प्रजापिता चला गया तो किसके प्रभाव में आ गई? बस अभी भी कन्या माताओं के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण कृष्ण बच्चे की आत्मा अंधेरे में चली जाती है। तो बाप का प्रभाव होना चाहिए या माँ का प्रभाव होना चाहिए? बाप का प्रभाव होना चाहिए। बाप के प्रभाव में आ जाएगी तो बुद्धि में से बात निकल जाएगी। क्या गीता का भगवान मैं कृष्ण वाली आत्मा नहीं हूँ? गीता का साकार भगवान निराकार परमपिता परमात्मा सेव मुकर्र रथ के द्वारा है, वो ही गीता पति भगवान है। मैं तो बच्चा हूँ, वो मेरा बाप है। टाइम हो गया।